चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाउ डू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। बस हमें शब्दों में लिखना है इसको कि एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं वो पहचानना है, और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें कैसे लिखेंगे। दही जमना बहुत बहुत बेसिक प्रोसेस है, सबके घरों में होती है। हम सहेजा लेकर के आते हैं, जामुन लेकर के आते हैं, इनोक्यूलम और स्टार्टर भी उसको बोलते हैं, ये हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में समझते हैं। उसको लेकर के आते हैं और दूध मिल्क होता है उसमें उसको डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाले मिल्क में नहीं डालते, 0, 5, 2, 10 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर वाले मिल्क में भी नहीं डालते। हमेशा ही निवाया सा, गर्म सा, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाला मिल्क होता है, जिसमें उस इनोक्यूलम और स्टार्टर को डाला जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। उसमें इसको डाल देंगे, 50-60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल्क का है। उस सिचुएशन में वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड डाइजेस्ट करता है पार्शियली पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। इस तरह से हमें कर्ड मिलती है, तो वो हमें लाइन्स में लिखना है। पहला पॉइंट, हम हर क्वेश्चन सीबीएसई का 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको भी हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन, एन इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ध्यान देना, मिलियंस लिखा है, ना तो थाउजेंड्स लिखा है, ना ही बिलियंस लिखा है, ना तो यहां पे थाउजेंड लिखा है, ना ही यहां पर बिलियन लिखा है। मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एनसीईआरटी में यही लिखा है और आपको यही लेकर चलना है। गलत करवा देगी आपकी करेक्ट इनकरेक्ट लाइन। ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एन इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज एडेड टू मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर। यह भी अंडरलाइन करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात। इससे क्या होगा, दिस कन्वर्ट्स मिल्क शुगर लैक्टोज ब्रैकेट में मिल्क शुगर टू लैक्टिक एसिड अब ये लैक्टिक एसिड है जो पार्शियल डाइजेशन और कोएगुलेशन करेगा मिल्क प्रोटीन की, विच कोएगुलेट्स
एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। पार्शियली ध्यान देने का है, कोएगुलेशन ध्यान देने का है। उसके बाद हम तीसरी और चौथी लाइन इसमें ऐड कर देते हैं। ये वही लाइन है जो पिछले क्वेश्चन में आ चुकी है, एल ए बी प्लेज बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक। हम लिख सकते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो लैक्टिक एसिड का एक बेनिफिशियल रोल हम लिख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को चाहते थे हम तीन पॉइंट्स में भी बना सकते थे, और ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं 2 मार्क्स में आए, बट फिर भी हम इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एडिशनल पॉइंट्स हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये चल सकती है यहाँ पे लाइन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक। एक और लाइन लिख देते हैं यहां पर, बहुत बेसिक है, इन स्टमक, ये हम ब्रैकेट में लिख दिया, एल ए बी इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एल ए बी इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड by improving vitamin B12 amount, vitamin B12 amount। अब ये बहुत बेसिक लाइन है, वही वाली जो हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। मेन जो लाइन्स हैं वो इस क्वेश्चन की ये दोनों हैं, पहली दोनों। It is very much clear to you now.